जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। आतंकियों के खात्मे का अभियान अब काफी तेज हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन अब तेज किया गया है। आतंक के सफाई के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव है और महज कुछ ही वक्त विधानसभा चुनाव में बचा है। ऐसे में स्टार प्रचारकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में पहुंचने का एक के बाद एक बड़ी रैलियां की जा रही हैं, एक के बाद एक बड़ी बैठकें आयोजित की जा रही है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा जो है वो और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन अब पहले से काफी तेज कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर छोटी बड़ी गतिविधि पर सुरक्षा बलों की निगाहें बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज हो चुका है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। और बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो इरादे हैं वो है डर का माहौल पैदा करना, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से आए ये घुसपैठिए, विदेश से आए ये घुसपैठिए कोशिश करते हैं अपने इन इरादों को कामयाब करने के, उसी तरीके से सुरक्षा बल इनके इन इरादों को वहीं ध्वस्त कर देते हैं और वहीं पर इनके इरादों को तोड़ते हुए इनको ढेर करते नजर आए हैं। अब तक बार बार छिटपुट हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की गई है इन आतंकियों द्वारा, लेकिन ये कहीं पर भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। एक तरफ इन आतंकियों की कोशिश है माहौल को खराब करने की, लोगों में डर का माहौल पैदा करने की, तो वहीं सुरक्षा बल पूरे पुख्ता इंतजाम किए बैठे हैं और सुरक्षा बल लगातार इनके इरादों को ध्वस्त कर रहे हैं और शांति लगातार बहाल करवाए हुए हैं सुरक्षा बल। और वहां पर किसी भी तरह से डर का माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को भी पूरे शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाया जाएगा। मतदान पूरे शांतिपूर्ण ढंग से पूरे करवाए जाएंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें वहां पर बनी हुई हैं। संख्या अब इन सुरक्षा बलों की काफी तैनात कर दी गई है। इन जवानों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है और चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें हैं। हर आने जाने वाले पर निगाहें रखी जा रही है। चेकिंग अब काफी तेज हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन में अब काफी तेजी आ चुकी है। विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त है। स्टार प्रचारकों का सिलसिला लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है और ऐसे में चुनावी हलचल के साथ साथ ये सर्च ऑपरेशन की हलचल भी अब काफी तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि पूरे 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक तरफ से जीतोड़ मेहनत कर रहा है कि यहां पर लोगों को डराया जाए ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, मतदान के लिए ना जाएं और इन विधानसभा चुनाव के रंग में भंग डाला जाए। लेकिन वहीं पर सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात है। दिन रात ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगल का इलाका हो, पहाड़ों का इलाका हो या फिर रिहायशी इलाका हो, शहरों का इलाका हो, इलाका कोई भी हो, सुरक्षा बलों की नजरें काफी पुख्ता यहां पर देखी जा रही है। हर छोटा सा इनपुट जैसे ही प्राप्त होता है सुरक्षा बलों को, उसी पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इनके इरादों को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाता है। जैसे ही आतंकी गर्दन उठाने की कोशिश करते हैं इन्हें वहीं पर झुका दिया जाता है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही समय बच गया है, ऐसे में पुख्ता इंतजाम और कर दिए गए हैं, सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज हो चुका है। देखिए अगले 10 दिनों में जो है जम्मू कश्मीर में चुनावी जो सिलसिला है वो लगभग ये कहा जाए उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग जो है 18 को होनी है और उससे पहले सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित करना शुरू किया है कि किसी भी तरीके से चुनावों में किसी तरह का खलल पाकिस्तान की जो डालने की इच्छा है वो कामयाब ना होने पाए। और खासतौर पर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद इस चीज को लेकर काफी आशंका बनी हुई थी कि आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया में जो है वो खलल डालने की है, और उसी के बाद से ये लगातार तैयारी की जा रही थी किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने हैं के हैं, यहाँ पर चुनाव में खलल डालने के हैं, उसको जो है वो नाकाम किया जाए। उसी के चलते आप देखें तो सुरक्षा बलों ने लगातार तैयारी की, लगातार जो है ऑपरेशन चलाए और ऐसे इलाकों में जहां आतंकी छुपे हुए थे वहां पर सुरक्षा बलों की खास जो है तैनाती की गई है, जिसमें स्पेशल फोर्सेज के जवान, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है और उसके अलावा जो सीआरपीएफ के जो कमांडो रहते हैं उनको वहां पे तैनात किया गया है। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने इस चीज को भी सुनिश्चित किया है अथॉरिटीज ने कि
जिन इलाकों में चुनावी प्रक्रिया होनी है, यानी कि जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर पोलिंग होनी है, उन इलाकों में अतिरिक्त कंपनी को तैनात किया गया है। और मकसद बड़ा साफ है कि जिस भी तरीके से हो चुनावों में खलल नहीं डालना चाहिए, और दूसरी तरफ आतंकी जिस इलाके में छुपे हैं उन आतंकियों को वहां से नहीं निकलने देना है और वहीं पर उनको मार गिराना है। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो अब इंतज़ाम और पुख्ता हो चुके हैं, जिस तरीके से आपने बताया है कि अब किस तरीके से सीधा इरादा ये कर लिया गया है कि जैसे ही दिखते हैं वैसे ही ढेर कर देना है, ये इरादा पुख्ता हो चुका है। ऐसे में कितनी संख्या और सुरक्षा बलों की बढ़ाई गई है, किस तरीके से आगे जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और नज़दीक होंगे वैसे वैसे किस तरीके से और इंतज़ाम जो है देखे जा सकते हैं? देखिए 300 कंपनी अतिरिक्त कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात की गई हैं, जिनका काम जो है इन चुनावों को सुरक्षित करना है, चुनावी प्रक्रिया में कोई खलल ना डले उसको सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ ये ख्याल रखा गया है कि जिन इलाकों में आतंकी गतिविधियां हुई हैं, जिन इलाकों में जंगलों में आतंकियों की हरकत दिखी है, वहां पर स्पेशल फोर्सेज के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। खासतौर पर एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया जो कि इन इलाकों में बैठकर लगातार इस चीज पर नजर रखे हुए हैं कि कोई आतंकियों की गतिविधि होती है तो उसे कैसे निपटना है। ये जो है वो चीजें हैं जो ग्राउंड लेवल पर की गई हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो खुफिया तंत्र है उसको एक्टिवेट किया गया है, अत्याधुनिक गैजेट्स, ड्रोन, हाई HSE और नाइट विजन डिवाइसेज जो हैं उनकी इस्तेमाल से जो है इन आतंकियों को ट्रेस करने के लिए लगातार कवायद चलाई जा रही है। तो ये जो भी इलाका है जहां पर आतंकियों के होने की खबर है उन इलाकों में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी उस इलाके में है तो वहां से निकले ना। राजौरी का इलाका हो जहां पर ख्वास हो, या फिर मंडी का इलाका हो जहाँ पिछले कुछ दिनों में मुठभेड़ हुई है, वहां पर सुरक्षा बलों को का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा जो उधमपुर का बसंतगढ़ का डूडू का इलाका है वहां पर जहां आतंकियों के मूवमेंट थी वहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी तरीके से डोडा के कई इलाकों में सुरक्षा बलों के कई ऑपरेशन जारी हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि जिस भी जगह इनपुट मिलता है वहां पर ऑपरेशन चलाया जाए और इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। बिल्कुल अजय, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से इनपुट लगातार मिलता रहा है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में छिटपुट हरकतें जो है आतंकियों द्वारा देखी गई है, ऐसे में जो अब स्टार प्रचारकों की रैली हो रही है, बैठकें हो रही हैं, क्या उन पर कोई असर पड़ा है? उनको जो तय किया जाता है, जो जगह तय की जाती है, जो समय तय किया जाता है, उस पर किसी तरह का कुछ इफेक्ट भी पड़ता नजर आया है क्या? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने देखा कल गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर थे, उन्होंने जम्मू शहर के एक बाहरी इलाका जो पड़ता है बनास बिरादरी जानीपुर का, वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो रामबन जिले में पहुंचने वाले हैं, दूरदराज का इलाका है और दूसरी तरफ कश्मीर से सटा हुआ है, वहां पर जो है जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। थोड़े दिन पहले इसी इलाके में जो है राहुल गांधी जो है वो जनसभा को संबोधित करके गए हैं और इसी सिलसिले को जो है वो आगे जारी रखा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं, JP नड्डा पहुंचने वाले हैं, नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जम्मू कश्मीर आने का सिलसिला जारी है और मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर में इस प्रचार के दौरान हर तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति बहाली को रखा जाए सुरक्षा बलों द्वारा और चुनावों में किसी तरह का कोई खलल ना डले। हर जो चुनाव पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, नेता है, उसको पूरा जो है मौका मिले कि वो अपने वोटर्स को के साथ संवाद कर सके, उन तक अपनी बात पहुंचा सके। और इसी चीज को देखें तो आप लगातार इस तरह से जो हरकतें हो रही हैं वो साफ दर्शाती हैं कि किसी भी तरीके से किसी को भी ऐसा नहीं किया जा रहा कि किसी को किसी इलाके में जनसभा को संबोधित करने का मौका ना मिले। बिल्कुल अजय, इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो पहुंच रहे हैं, वहां पर कई कार्यक्रम उनके पहले से ही आयोजित हैं, तो इन कार्यक्रमों के अलावा क्या सुरक्षा एजेंसियों या सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी कोई बैठक हो सकती है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, या फिर कोई जायजा वो ले सकते हैं सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए क्योंकि रक्षा मंत्री सिर्फ चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में इस तरह की कोई भी बैठक जो है आज नहीं होने वाली है। रक्षा मंत्री सिर्फ रामबन आएंगे, एक जनसभा को संबोधित जो है वो रामबन में करेंगे और एक जनसभा जो है वो बनिहाल में करने वाले हैं। BJP के जो प्रत्याशी वहां पर चुनाव मैदान में हैं उनके पक्ष में जो है वो एक चुनावी रैली करेंगे और कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या
पिछले 10 सालों में उन्होंने किया है जम्मू कश्मीर में, और अगले 5 सालों में उनका क्या प्लान है, लोगों तक कैसे लोगों के फायदे जो है वो कैसे होंगे, क्यों लोग उनको वोट करें, इन चीजों को लेकर जो है वो रक्षा मंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और 2 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बढ़ते दिनों के साथ अब सुरक्षा बलों की और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी काफ़ी अब काम जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में नजर आए, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह नजर आए, अब राजनाथ सिंह जी का आज दौरा देखा जाएगा, आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी की भी एक बड़ी रैली वहाँ पर देखी जाएगी, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियाँ कितनी तैयार है वहाँ पर एक के बाद एक इन कार्यक्रमों को लेकर, और दूसरी तरफ जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उनको लेकर किस तरीके से आगे तैयारियां अब देखी जा रही हैं। देखिए सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में कर दी गई है, खासतौर पे उन इलाकों में जहां पर चुनावों चुनावी रैलियां होनी है, उन इलाकों में जहां पर चुनावों के लिए लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना है, प्रचार जो चल रहा है, और उन इलाकों पर जहां पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां पर खासतौर पर तैनाती जो है वो रखी जाएगी। पहले चरण के वोटिंग जो है वो 18 को होनी है, ऐसे में 18 तारीख से जो पहली वोटिंग होनी है वहां पर उन चुनावी इलाकों में जो है या उन पोलिंग स्टेशन के आसपास जो है वहां पर तैनाती की गई है। इसके अलावा जो गांव हैं, जो वनरेबल गांव हैं, जहां पर इस चीज की आशंका बनी हुई है कि कहीं वहां आतंकी हमला हो सकता है या आतंकी किसी तरह से आम लोगों को मासूम लोगों को निशाना बना सकते हैं, उन इलाकों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो तमाम जो इलाके हैं उनको पूरे तरीके से सुरक्षित रखने की कवायद जो है वो की जा रही है, और पूरी तरीके से इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर ऐसी हरकत हो तो उसे निपटा जा सके। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ समय में आतंकी हमले हुए हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, यात्री बस को निशाना बनाया गया, ये सब बताता है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी घिनौनी हरकत को जो है वो अंजाम दे सकता है, और इसी के लिए उन सभी चीजों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।